हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2023 में कब रखा जाएगा, पूजा का सुमुहूर्त, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों में प्रत्येक व्रत त्योहार का अपना विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। दोस्तों, इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान का पूजन होता है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष का पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में वट सावित्री का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, सामग्री, पूजा विधि, अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन क्या पहने और अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2023 के बारे में। दोस्तों, साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई को रात्रि 9:42 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई को रात्रि 9:22 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 19 मई की सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद गंगा जल से घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। अब एक बांस की टोकरी में पूजन सामग्री और सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। दोस्तों, अब वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं और सबसे पहले वट के पेड़ के नीचे के स्थान को अच्छे से साफ कर वहां सावित्री सत्यवान की मूर्ति रखें। दोस्तों, अब वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़, मिठाई अर्पित करें। अब वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3, 7 या 11 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, बड़ यानी वट वृक्ष की पत्तों की माला पहनकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। अब भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सास को दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, पूजा के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को वस्त्र और फल आदि वस्तुएं दान करें। ध्यान रखें कि इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूलें। आइए जान लेते हैं पहली बार व्रत कैसे रखें। दोस्तों, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र या चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। पूजा के बाद सास के लिए बायना जरूर निकालें। दोस्तों, पूजा के दौरान बरगद के पत्तों की माला धारण करें। दोस्तों, व्रत का कारण संभव हो तो भीगे चने या फिर बरगद वृक्ष की कोपल खाकर ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं अखंड सौभाग्य के लिए क्या पहनना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करना चाहिए। दोस्तों, सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान नीली काले रंग की चूड़ियां या फिर बिंदी लगाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री आज के दिन बरगद के वृक्ष के पत्तों की माला को धारण कर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ती या सुनती है तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।